हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगी। दोस्तों, आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं वो पशुओं के अंदर एक काफ़ी गंभीर रोग आजकल चला हुआ है जिसको कहते हैं LSD, लंपी स्किन डिजीज़। दोस्तों, आज हम एक तो इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या चीज़ है, इसके क्या कारण है और इसके अंदर क्या उपचार दिया जाता है, और इसके अंदर जो हमने मेडिसिन का रिव्यू करना है जिसका नाम है LSD 25 गोल्ड किट, दोस्तों उसका हम साथ में रिव्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं LSD के बारे में। दोस्तों, LSD जो होती है वो लंपी स्किन डिजीज़ होती है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मच्छरों के या काटने वाले कीड़ों या मक्खियों के कारण हो जाता है। दोस्तों, इसके अंदर ज़्यादातर हम जो देखते हैं वो पशु के अंदर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पशु के जो सारे शरीर के ऊपर है वो गांठें बन जाती हैं, जो उसके मुंह से लेके पूंछ तक के और उसके नीचे मेमरी ग्लैंड्स के अंदर बॉडी के हर एक पार्ट के ऊपर गांठें बन जाती है, और इन गांठों के अंदर से पानी आना भी स्टार्ट हो जाता है जो कि पशु के लिए काफ़ी दर्द कारक होता है। कई बार पशुओं के जो ये गांठे होते हैं वो पैर के मसल्स के ऊपर हो जाते हैं जिस कारण पशु लंगड़ा के चलना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, जो LSD वायरस होता है वो गोट्स और शीप के अंदर जो आने वाले पोक्स वायरस होता है उससे काफ़ी रिलेटेड होता है, और उसके जो सिम्टम्स है वो भी काफ़ी हद तक उनकी तरह ही सेम होते हैं। दोस्तों, एक इसका जो मैं आपको बीच में बताना चाहूँगा, जो फैलने का कारण होता है वो पशुओं का जो सलाइवा होता है, उनका जो मुंह का पसीना होता है, वो एक पशु से दूसरे पशु जाना, जो उनके जख्म के अंदर जो रेशा होता है, पीक मवाद जिसको कहते हैं, वो एक पशु के अंदर दूसरे पशु के अंदर जाता है, वो भी इसका कारण बन जाता है। इसके अलावा पशु का जो नेज़ल नाक के अंदर से जो अपने रस्सी या मवाद निकलता है, पशु का सलाइवा हो जाता है, पशु का दूध हो जाता है, या इसके अलावा अगर पशु को क्रॉस कराते हैं उस टाइम अगर उसका सीमन भी एक पशु के अंदर दूसरे पशु के अंदर चला जाता है तो वो भी LSD होने का एक कारण बन जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, इसके अंदर पशुओं के मुख्य रूप के अंदर पशु के गांठे बन जाती है, ये गांठे पशु के बाहर के साथ साथ पशु के अंदर मुंह की तरफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर ही बन जाता है, जो कि पशुओं के पेट के अंदर चला जाता है जिस कारण पशु अपना खाना पीना छोड़ जाता है, पशु काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और इसके साथ साथ पशु के वजन के अंदर भी काफ़ी कमी हो जाती है और पशु का जो मिल्क प्रोडक्शन रेट है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। दोस्तों, जो ये पशु के अंदर गांठें बनती हैं ये पैर के अंदर परमानेंट भी कई बार हो जाती हैं, जिस कारण पशुओं के जो लंगड़ापन है वो सारी उम्र परमानेंट भी रह सकता है। इसके अलावा अगर पशु की ये गांठें उनके अडर के ऊपर बन चुकी हैं तो जिस कारण पशु के अडर को काफ़ी भारी नुकसान पहुँचता है और उसका जो अडर है वो भी डैमेज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका पशु ने गर्भ धारण किया हुआ है, पशु प्रेग्नेंट है, तो उस समय के अंदर भी अगर ये दिक्कत आती है, LSD की दिक्कत आती है, तो पशु कई मिसकैरेज के चांस, अबोशन के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं, तो या पशु के यूटराइन इन्फेक्शन है वो भी बढ़ सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्या ये LSD जो डिज़ीज़ है ये इंसानों के अंदर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इसके लिए जो पशुपालक हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जो पशु है, जो बीमार पशु है, उनका अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं, आप किसी तरह की बगैर चिंता की इनका ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आपको ये बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप पशुओं के अंदर जख्म हो चुके हैं, उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि कहीं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो आपको ना हो जाए, बट आपको LSD जो डिज़ीज़ है वो नहीं होगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आप अपने पशुओं को LSD डिज़ीज़ से कैसे बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपने जो बीमार पशु है एक पशु से दूसरे पशु को अलग रखना है। दोस्तों, अगर आप अपने तबेले के अंदर किसी तरह का कोई भी नया पशु लेके आए हैं तो उसको अलग रखें। अगर आपको लगता है कोई बीमार पशु हो रहा है तो आप ध्यान से देखिए उसके अंदर किसी तरह की गांठें तो उसके अंदर नहीं बन सकती हैं, या पशु लंगड़ा के चलना स्टार्ट तो नहीं हो चुका है, तो इसकी जो इनिशियल जो है निशानी हो सकती है। पशु के अंदर काफ़ी तेज़ बुखार होना भी दर्द के कारण भी इसकी एक निशानी हो सकती है, तो इसके लिए आपको पशु को अलग रखना होगा और उनके ऊपर काफ़ी ध्यान देना होगा।
दोस्तों इसके अलावा जो आपने अपना फार्म हाउस है उसके अंदर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, उसके अंदर इंसेक्टीसाइड्स हैं उनकी टाइम से टाइम स्प्रे करें ताकि किसी तरह की मच्छर या काटने वाली जो मक्खियाँ होती हैं उनका एक्सपोजर जो आपके तबेले के अंदर है, आपके फार्म हाउस के अंदर है, वो काफ़ी कम हो, जिसके कारण जो ये बीमारियाँ हैं उनसे आपको बचाव हो सके। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके लिए जो आज हम मेडिसिन का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मैरीगोल्ड प्लस LSD 25 किट। दोस्तों इसके अंदर दो तरह की जो है मेडिसिन डाली गई है, एक तो इसके अंदर एक स्प्रे आती है और उसके साथ में इसके अंदर एक लिक्विड डाला गया है। दोस्तों पहले तो हम बात करेंगे जो ये स्प्रे है और या ये ड्रॉप्स है ये किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों जो ये स्प्रे है वो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि अगर LSD हो चुकी है तो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो इसकी इम्यूनिटी है पशु की वो बढ़े और जल्दी से जल्दी पशु रिकवरी कर जाए। इसके लिए 5 से जो 15 दिन का है वो समय उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके इन्ग्रीडियंट के बारे में। दोस्तों जो ड्रॉप्स आती है होम्योपैथिक वी ड्रॉप 25, इसके अंदर मर्क्यूरी सोल्यूबिस, नेट्रम, रहूस, आर्सेनिकम एल्बम, कोरोसिवस, सल्फ्यूरिक एसिड, हैपर सल्फ डाला गया है। दोस्तों जो आपने जो ये ड्रॉप्स है इसको 20 से 25 बूंदे पशु के बॉडी वेट के हिसाब से या पशु की कंडीशन के हिसाब से दिन से 3 से 6 बार आपने देनी होती है। दोस्तों ये ड्रॉप्स आपने रोटी के छोटे टुकड़े के ऊपर लगा के पशु को आप दे सकते हैं। आपने ये देने से पहले ध्यान रखना है कि जो मेडिसिन है पशु की जीभ के ऊपर अच्छे से लग जाए तो जो अपना असर है वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखा पाएगी। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की कोई भी मेडिसिन पर कोई भी रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट बॉक्स पर जो लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।